मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार जब योजनाएं बनाती है, बजट खर्च करती है, समय पर परियोजनाओं को पूरा करती है, तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही है। लेकिन सरकार के अनेक कार्यों में, विकास के अनेक योजनाओं के बीच मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बातें हमेशा एक अलग सुख देती है। सरकार के प्रयासों से, सरकार की योजनाओं से कैसे कोई जीवन बदला, उस बदले हुए जीवन का अनुभव क्या है, जब ये सुनते हैं तो हम भी संवेदनाओं से भर जाते हैं। यह मन को संतोष भी देता है और उस योजना को लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा भी देता है। एक प्रकार से ये स्वांतः सुखाई तो है। और इसलिए आज मन की बात में हमारे साथ तो ऐसे साथी भी जुड़ रहे हैं जो अपने हौसलों से एक नया जीवन जीत कर आए हैं। इन्होंने आयुष्मान भारत योजना की मदद से अपना इलाज कराया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। हमारे पहले साथी हैं राजेश कुमार प्रजापति, जिन्हें हृदय रोग की बीमारी, हार्ट की समस्या थी। तो आइए राजेश जी से बात करते हैं। राजेश जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। आपकी राजेश जी बीमारी क्या थी, फिर किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, मुझे जरा समझाइए। स्थानीय डॉक्टर ने कहा होगा, फिर किसी और डॉक्टर के पास गए होंगे, फिर आप निर्णय नहीं करते होंगे या करते होंगे, क्या क्या होता था? जी मुझे हार्ट में प्रॉब्लम सर आ गई थी, मेरे सीने में जलन होती थी सर। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पहले तो बताया हो सकता बेटा तुम्हारे एसिड होगी, तो मैंने काफी दिन एसिड की दवाई कराई, उससे जब मुझे फायदा नहीं हुआ फिर डॉक्टर कपूर को दिखाया, तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे जो लक्षण है उससे एंजियोग्राफी से पता चलेगा। फिर उन्होंने रेफर किया मुझे श्री राममूर्ति में, उनसे मिले हम अमरेश अग्रवाल जी से, तो उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी करी। फिर उन्होंने बताया कि बेटा ये तो तुम्हारी नस ब्लॉकेज है, तो हमने कहा सर ये किसमें कितना खर्चा आएगा, उन्होंने कहा कार्ड है आयुष्मान वाला जो पीएम जी ने बनवा के दिया, तो हमने कहा सर है हमारे पास है और सारा इलाज उसी कार्ड से हुआ है सर। और जो आपने ये बनाया है कार्ड, बहुत ही अच्छी तरीके से हम गरीब आदमियों के लिए बहुत सहूलियत इससे, और आपका कैसे मैं धन्यवाद करूं। आप करते क्या है राजेश जी? सर मैं इस समय तो प्राइवेट नौकरी करता हूं सर। और आयु कितनी है आपकी? मेरी 49 साल है सर। इतनी छोटी आयु में आपको हार्ट का ट्रबल हो गया? हाँ जी सर, क्या बताएं। आपके परिवार में भी पिताजी को या किसी माताजी को या इस प्रकार का पहले रहा है कि? नहीं सर, किसी को नहीं था सर, ये पहला है हमारे साथ ही हुआ है। ये आयुष्मान कार्ड भारत सरकार या कार्ड देती है गरीबों के लिए, एक बहुत बड़ी योजना है, तो ये आपको पता कैसे चला? सर ये तो इतनी बड़ी योजना है, गरीब आदमी बहुत इससे बेनिफिट मिलता है, वो इतना खुश है सर। हमने तो हॉस्पिटल में देखा कि इस कार्ड से कितना लोगों को सहूलियत मिलती है, जब डॉक्टर से कहता कार्ड मेरे पास है सर, तो डॉक्टर कहता ठीक वो कार्ड लेके आइए मैं उसी कार्ड से आपका इलाज कर दूंगा। अच्छा कार्ड न होता तो आपको कितना खर्चा बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब ने कहा बेटा इसमें बहुत सारा खर्चा आएगा बेटा अगर कार्ड नहीं होगा। उन्होंने कहा सर कार्ड तो है मेरे पास, तो उन्होंने कहा तुरंत आप दिखाइए, तो हमने तुरंत दिखाया, उसी कार्ड से सारा इलाज मेरा किया गया, मेरे एक पैसा नहीं खर्च हुआ, सारी दवाइयाँ भी उसी कार्ड से निकाली गई है। तो राजेश जी आपको अभी संतोष है, तबीयत ठीक है? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपकी उम्र भी इतनी लंबी होगी, हमेशा सत्ता में ही रहे, हमारे परिवार के लोग भी आपसे इतना खुश है, हम क्या कहें आपसे। राजेश जी आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए, मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। सेवा ही तो चाहिए हम लोगों को और क्या। देखिए गरीबों के लिए ये आयुष्मान भारत योजना ये अपने आप में जी सर बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन देखिए राजेश जी आप हमारे एक काम कीजिए, करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे सर। देखिए होता क्या है कि लोगों को इसका पता नहीं होता है, आप एक जिम्मेवारी निभाइए, ऐसे जितने गरीब परिवार है आपके आसपास उनको अपनी ये कैसे आपको लाभ हुआ, कैसे मदद मिली, ये बताइए। बिल्कुल बताएंगे सर। और उनको कहिए कि वे भी ऐसा कार्ड बनवा लें, ताकि परिवार में पता नहीं कब क्या मुसीबत आ जाए, और आज गरीब दवाई के कारण परेशान रहे ये तो ठीक नहीं है, अब पैसों के कारण वो दवाई न ले या बीमारी का उपाय न करे तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है। और गरीब को तो क्या होता है, जैसे आपको ये हार्ट का प्रॉब्लम हुआ
तो कितने महीने तक आप काम ही नहीं कर पाए होंगे। हम तो 10 कदम नहीं चल पाते, जीना नहीं चल पाते थे सर। बस तो आप राजेश जी मेरे एक अच्छे साथी बनके जितने गरीबों को आप ये आयुष्मान भारत योजना के संबंध में समझा सकते हैं, वैसे बीमार लोगों की मदद कर सकते हैं, देखिए आपको भी संतोष होगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि चलिए अभी एक राजेश जी की तबीयत तो ठीक हुई, लेकिन राजेश जी ने सैकड़ों लोगों की तबीयत ठीक करवा दी। ये आयुष्मान भारत योजना ये गरीबों के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है, सामान्य परिवारों के लिए है, तो घर घर इस बात को पहुंचाएंगे आप? बिल्कुल पहुंचाएंगे सर, हम तो वहीं 3 दिन रुके ना हॉस्पिटल में सर, तो बेचारे बहुत लोग आए, सारी सुविधाएं उनको बताई, कार्ड होगा तो फ्री में हो जाएगा। चलिए राजेश जी आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, थोड़ी शरीर की चिंता करिए, बच्चों की चिंता कीजिए और बहुत प्रगति कीजिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको।